आज इस वीडियो में हम गैफी और उसके पापा को एक मजेदार कहानी पर चर्चा करते हुए देखेंगे। क्या बात है पापा, खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आपने क्या बनाया है आज? मैंने आज आलू की सब्जी बनाई है, क्या तुम इसे खाना चाहोगी? जरूर पापा, ये तो बहुत अच्छी बनी है। चलो आज मैं तुम्हें आलू की सड़क की एक मजेदार कहानी इस किताब में से पढ़कर सुनाता हूँ। अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा। एक भालू था, उसे खाने में आलू बहुत पसंद थे। एक दिन उसे अपनी नानी के घर दूर जाना था। रास्ते में भूख न लगे इसके लिए भालू ने एक आलू का बोरा भर कर पीठ पर रख लिया, पर बोरे में तो छेद था। भालू आगे बढ़ता जाता, धप धप धप। गैफी, तुम्हें क्या लगता है कि वो आवाजें क्यों आ रही थी? बच्चों, क्या आप बता सकते हैं? मुझे तो लगता है पापा, ये भालू के चलने की आवाज होगी। चलो कहानी में पढ़कर पता लगाते हैं। बोरे से आलू टपकते जाते, टप टप टप। रास्ते में पीपल के पेड़ पर एक बंदर बैठा था। उसने भालू से पूछा, भालू भैया कहाँ जा रहे हो? भालू ने कुछ नहीं कहा और वह चलता ही रहा। बंदर ने जवाब में सिर्फ धप धप टप टप ही सुना। उसने पेड़ से नीचे देखा, रास्ते में आलू पड़े हुए थे। बंदर ने मन ही मन सोचा, भालू भैया चाहे ना बताए पर मैं पता लगा सकता हूँ। वह खुश होकर पेड़ से नीचे उतरा और उसी रास्ते पर चल पड़ा। ये तो बड़ा मजेदार था, बेचारा भालू, उसे एक भी आलू खाने को नहीं मिला। बच्चों, अब आपकी बारी है स्क्रीन पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखने की। आपको ये कहानी कैसी लगी? भालू कहाँ जा रहा था? रास्ते में भालू को कौन मिला? बंदर ने कैसे पता लगाया कि भालू कहाँ जा रहा है? प्रश्नों के उत्तर लिखकर अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ साझा करें। बच्चों, इस वीडियो में हमने एक मजेदार कहानी पर चर्चा की।